हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपटीशन में इंग्लिश के वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स को याद करने के कुछ बेहतरीन ट्रिक देखेंगे। हम इन्हें इनके कीवर्ड्स से याद रखेंगे। और जैसे पहला वर्ड है स्कैमपर, इसमें स्कैम एक वर्ड कीवर्ड है। स्कैम मतलब जो स्कैम करता है, घोटाला करता है, तो वो कानून से बचकर भाग जाता है। तो इसका मीनिंग है भाग जाना, रन या डैश। सेकेंड वर्ड टॉर्चर्स, टॉर्चर्स में इसमें देखें कीवर्ड टॉर्चर। अगर हम किसी चीज़ को टॉर्चर करेंगे तो वो जिग जैग हो जाएगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, मुड़ जाएगी या ट्विस्टेड। तो इसका मीनिंग है ट्विस्टेड या टेढ़ी मेढ़ी। तीसरा वर्ड है फोन, इसमें फैन एक कीवर्ड्स आ रहा है पढ़ने में। फ़ैन हम इसे पढ़ सकते हैं, जो फ़ैन होते हैं अपने सुपर स्टार्स के या खिलाड़ियों के, वो उसकी हमेशा बड़ाई करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। तो इसका मतलब है चापलूसी। पहला वर्ड चलिए हम हिंदी में भी लिख देते हैं, स्कैम्पर का भाग जाना। दूसरा टॉर्चर्स, टेढ़ा मेढ़ा। तीसरा फोन, चापलूसी करना, फ्लैटर। आप फोर्थ है टॉरिड, इसमें देखे कीवर्ड्स है तार रेड। कोई तार रेड हो गया, उसे गर्म किया गया होगा, जब भी वो रेड है तो इसका हिंदी में गर्म करना, गर्म है, और इंग्लिश में सल्ट्री और स्कॉर्चिंग। सल्ट्री और स्कॉर्चिंग इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखिए डेनिग्रेट, डेनिग्रेट में कीवर्ड्स आ रहे हैं डैनी और ग्रेट। डैनी जो पुरानी फिल्मों में विलेन होते थे, तो ये दूसरों को अपमानित ही करते हैं विलेन, तो इसका हिंदी में वर्ड है अपमानित करना, बी लिटिल या मेलिन। नोटी, देखे जो क्लास में बच्चा नोटी होगा वो कुछ ना कुछ जटिल क्वेश्चन पूछेगा, तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। तो नोटी इसमें इसका सिनोनिम्स है एब्स्ट्रूज और कॉम्प्लिकेटेड, हिंदी में जटिल और पेचीदा। एब्रेसिव, अब इसमें ये देखे अब और सिव, अब सिव को गुस्सा आ गया, अब यानी वो सख्त हो गए, तो इसका हिंदी में मतलब है सख्त। इसके सिनोनिम्स है रफ और नेस्टी। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूशन, किसी बात पर कुछ विवाद हो गया लेकिन अब सोल्यूशन हो गया है और माफ़ी भी दे दी गई है, तो एब्सोल्यूशन मीन्स माफ़ी, फॉरगिवनेस और रिलीज। आप चलिए देखते हैं स्कैम्पर, भाग जाना, स्कैम करके कोई भाग गया। टॉर्चर्स, किसी को टॉर्चर किया वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फोन, कोई फैन है तो वो चापलूसी करता है। टॉरिड, तार रेड हो गया गर्म करने से। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट है वो ये अपमानित करता है हीरो को फिल्मों में। और नोटी, जटिल पेचीदा क्वेश्चन पूछेंगे। अब्सिव, सख्त हो गए हैं, तो रफ नेस्टी। एब्सोल्यूशन, क्षमा माफ़ी, फॉरगिवनेस। और अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको केवल ये देखने भर से सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। देखिए लैक्रिमोस, मोस मतलब सम मुसी, देसी भाषा में अगर कोई दुखी हो तो हम उसे कह देते हैं कि ये मुसी मर रही है, देसी भाषा में कह देते हैं, तो इसका मतलब है सैड या टीयरफुल, हिंदी में लिख देते हैं शोकपूर्ण। अब अगला है टेंटेटिव, मतलब जो एक्टिव रहे 10 times, मतलब प्रैक्टिकल करता रहे, एक्सपेरिमेंटल हो जो, तो इसे हम याद रखेंगे 10 active थे, एक्सपेरिमेंटल और कंडीशनल प्रायोगिक। 11 है मॉइस्ट, इसे हम मॉइस्चर भी, जैसे यहाँ मॉइस्चर आ जाए तो गीला या कुछ ऐसे फीलिंग आती है, तो मॉइस्चर से याद रखेंगे मॉइस्ट को, गीला, वेट और डैंक। 12 पर बी लाई, लाई मतलब झूठ होता है, तो बी लाई मतलब झूठा साबित कर देना, बी लाई मतलब झूठा साबित कर देना। इसका सिनोनिम्स है डिनाई और कॉन्फ्यूट, डिनाई और कॉन्फ्यूट। बैगी, बैगी में हम बैग देखते हैं, तो बैग जो थैला, तो थुलथुला, कोई बैग ले रहा है तो काफ़ी मोटा लगेगा, तो बैग थुलथुला या मोटा। लूज, फ्लैबी और लूज इसके सिनोनिम्स है। अब इसमें देखिए इवैक्यूएट, इवा
क्यूट, इसे हम ऐसे याद रखेंगे, इसका कीवर्ड्स है कोई ईवा लड़की है वो जो क्यूट है, उसके आते ही क्लास खाली हो गई, एम्प्टी या वैकेट इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड एक्विसिटिव, एक एक्विसिटिव इसमें एक क्वेश्चन, इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन इसका कीवर्ड है, ऐसा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पूछता ही जाता है तो काफ़ी जिज्ञासु है, डिजायरस और कर्टियस। तो एक बार देख लीजिए, लैक्रिमोस जो शोकपूर्ण, टेंटेटिव जो टेन टाइम एक्टिव वो कुछ ना कुछ करता रहता है प्रायोगिक, मॉइस्ट मॉइस्चर वेट और डैंक गीला, बिलाई झूठा साबित कर देना, और बैगी थुलथुला, इवैक्यूएट खाली करना, एक्विसिटिव जिज्ञासु, डिजायरस। तो फ्रेंड्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,